वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री शौचालय योजना के बारे में। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 12,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। जो परिवार शौचालय बनाने में असक्षम रहते हैं, वो अपने घर में शौचालय नहीं बनवा पाते हैं, तो ऐसे परिवारों को सरकार ने 12,000 रुपए का अनुदान राशि देकर शौचालय बनवाने का कार्य किया है। तो इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर शौचालय योजना फेज 2 चालू हो गया है। ग्रामीण इलाकों में जो भी गांव से बिलोंग करते हैं वो अब फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई नहीं कर पाया था, जिनको अनुदान राशि नहीं मिल पाई थी, अब वो व्यक्ति अनुदान राशि ले सकते हैं। फेज 2 में केवल ग्रामीण इलाकों में चालू हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुदान राशि नहीं ले पाए हैं, तो ऐसे व्यक्ति शौचालय योजना के तहत एप्लीकेशन कर सकते हैं और 12,000 की अनुदान राशि ले सकते हैं। तो बने इस वीडियो में तक, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनवाने की राशि को प्राप्त करने के लिए आपको स्वच्छ भारत मिशन की ऑफिशियल साइट पर आना है। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड फेज में देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यहाँ पर जो केवल ग्रामीण इलाके से है, केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर चालू हुआ है अभी सेकंड फेज में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल करने के लिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यहाँ पर आपको सिटीजन कॉर्नर मिल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा अपने मोबाइल नंबर या फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर साइन इन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे ऊपर में मिल जाएगा सिटीजन रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एज लॉगिन आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नेम ऑफ सिटीजन, जो भी सिटीजन का नाम रहेगा यहाँ पर फुल नेम देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, जो भी सिटीजन का कंप्लीट एड्रेस रहेगा। और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर स्टेट मिल जाएगा, यहाँ पर अपना स्टेट चूज करेंगे। नीचे यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना होगा, लेकिन आपका पासवर्ड जनरेट नहीं होता है तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर रहेगा मोबाइल नंबर डालेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहीं से आप अपना पासवर्ड फॉरगेट रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद देख सकते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं। एज लॉगिन आईडी, जो आपकी लॉगिन आईडी देख सकते हैं, पासवर्ड सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पर जो पासवर्ड होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है लॉगिन पेज पर। पर जो आपका पासवर्ड होता है तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट होता है, तो यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पर साइन इन हो रहा है। तो यहाँ पर साइन इन होने के बाद देख सकते हैं कि ओल्ड पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, नीचे यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको डालना है। न्यू पासवर्ड जो रहेगा आपका अल्फा न्यूमेरिक रहेगा, अल्फाबेट न्यूमेरिक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर तीनों इंक्लूड रहेंगे, और आपके जो कैरेक्टर रहेंगे अल्फाबेट में आपका अपर केस ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिटीजन आ जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन मिल जाएगा। न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और न्यू एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक नेम यहाँ पर आप अपना डाल देंगे। पंचायत रहेगा तो यहाँ से आप अपना पंचायत चूज कर लेंगे। विलेज, जो भी आपका विलेज लगता है, विलेज हमारा है हमने चूज कर लिया। हैबिटेशन यहाँ पर नेम आप डाल देंगे। अब यहाँ पर नीचे रहेगा सेक्शन बी में टॉयलेट ऑनर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर जो टॉयलेट के ऑनर रहेंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है एज पर आधार कार्ड, और जो आधार कार्ड नंबर रहेगा वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कंसेंट देना है, और कंसेंट देने के बाद वेरीफाई आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम डालेंगे,
जेंडर डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद कैटेगरी मिल जाएगी आप एपीएल है या फिर बीपीएल, उसके बाद सब कैटेगरी मिल जाएगी आपकी वुमेन्स हेडेड, एचएस या फिर पीएच। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि कौन सा है, यहाँ पर लैंडलेस विथ होम, यहाँ पर है सब कैटेगरी। तो यहाँ पर जो आपकी राशन कार्ड की कैटेगरी रहेगी, उस राशन कार्ड की कैटेगरी को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वुमेन्स हेडेड, एचएच, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर मिल जाएगा आपको कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा स्टेट लेवल यूनिक बेनिफिशियरी आईडी, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड यहाँ पर नो योर आईएफएससी कोड पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपना आईएफएससी कोड नहीं पता है तो यहाँ पर आप अपना आईएफएससी कोड सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है, यहाँ पर हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर ब्रांच अपनी आप डाल देंगे, जो भी आपकी ब्रांच रहती हो। जैसे यहाँ पर आप आईएफएससी कोड डालेंगे तो यहाँ पर ब्रांच का नाम और ब्रांच का यहाँ पर कोड, ब्रांच का एड्रेस, सभी कुछ यहाँ पर बाई डिफॉल्ट ले लेगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। और नीचे यहाँ पर मिल जाएगा स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, तो यहाँ पर पासबुक का फर्स्ट पेज यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने फोटो रखा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। और ये जो रेफरेंस नंबर होता है आपका फ्यूचर में कॉन्टैक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं, एप्लीकेशन रिसीप्ट हो गया है। ट्रैक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहीं से आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन रिसीप्ट होने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन सिक्योरिटी डन होगा, उसके बाद एलोकेट होगा, और उसके बाद यहाँ पर एलोकेट होने के बाद आईएचएल को यहाँ पर जुगेटिंग के लिए डन होगा। उसके बाद आपका इंसेंटिव गिवेन टू एप्लीकेशन, जो भी इंसेंटिव रहता है 12,000 के समथिंग आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया जाएगा। तरीके से दोस्तों आप स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के लिए अगर आप ग्रामीण से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन चालू हो गया है। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपका भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। नीलेश 09। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।